प्रेगनेंसी के दौरान लास्ट के 3 महीने में, लास्ट की तिमाही में पैरों में ऐठन क्यों आती है, इतने क्रैम्प्स क्यों आते हैं? लास्ट वाला जो ट्रेमेस्टर होता है, इसमें पैरों में ऐठन आना और पैरों में सूजन और पैरों में ऐठन आ जाना एकदम से, ये आम बात है। ये लगभग देखा जाए तो 50% महिलाओं को ये प्रॉब्लम हो जाती है। लास्ट के 7th, 8th और 9th महीने में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी टॉपिक्स पे आज डिटेल में बात करेंगे कि ये क्यों हो जाता है और क्या करने से ये कम हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं। रात को जो ये प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगती है, इस प्रॉब्लम की वजह से रात को बार बार नींद भी टूटने लग जाती है। हर एक कुछ देर पे नींद टूटती है और कभी कभी ऐठन इतनी ज़्यादा होती है कि पेशेंट रात भर परेशान रहती है। ऐसा इसीलिए होता है कि शुरू के जो 3 महीने रहते हैं और बीच वाले 3 महीने में रहते हैं, इस बीच में वज़न इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता है जितना कि लास्ट वाले महीने में एकदम तेज़ी से वज़न बढ़ता है। और पूरा वज़न रहता है वो पूरा पैरों पे ही भार पड़ता है, जिस वजह से पैरों में ऐठन आना ये प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बेबी का जो सिर है वो पूरा नीचे आ जाता है, पूरा एकदम नीचे आपके पेल्विक एरिया के आसपास आ जाता है और वो नीचे जो पैरों की तरफ जो नर्व्स जाती है वो उसके सप्लाई को ब्लड फ्लो होने से रोकता है, वहाँ पर आ जाता है बेबी का सिर, जिसकी वजह से पैरों की तरफ अच्छे से ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है और इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम पैरों में ऐठन आना स्टार्ट हो जाता है। ये जो प्रॉब्लम है आपकी डाइट में कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। ये आपको प्रॉपर इसको लेना पड़ेगा, ये आप फ्रूट्स में और वेजिटेबल में, ये ऐसा जिसमें रहता है कैल्शियम और मैग्नीशियम, वो वाली डाइट आपको भरपूर लेनी पड़ेगी। आपको पानी की मात्रा एकदम अच्छे से लेनी है, आपको पानी का इंटेक अच्छे से करना है। आपको पानी में आप ग्लूकोन डी या फिर आप नींबू पानी भी पी सकते हैं, जो भी आप पानी की वैरायटी को चेंज कर करके पानी अच्छे से पीजिए। आपको आपको क्या करना है, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं और बहुत देर तक आपको पैरों को एक जगह लटका करके रखना है, तो आप बार बार अपनी पोजीशन को चेंज कीजिए, बार बार बीच में ब्रेक लीजिए, बार बार उठ करके आप 10-15 मिनट का ब्रेक लेकर के आप उठ के वॉक कीजिए, या फिर आप घर पे भी काम करते हैं तो एक ही जगह पे एक ही पोजीशन में आपको ज़्यादा देर बैठ करके नहीं रहना है, अपनी पोजीशन को चेंज कीजिए। और रात को आप सोने के वक्त आप पैरों के नीचे 2 तकिए को लगा करके पैरों को ऊंचा रखिए और कोशिश कीजिए अपने पार्टनर को या फिर घर में कोई भी आपके हैं बुज़ुर्ग तो उनको बोल करके आप अपने पैरों की मालिश करवाइए। आप नीचे से ऊपर की तरह आपको मालिश करना है, नीचे की तरफ आपको मालिश नहीं करना है। आपको ज़्यादा ऐठन हो रही है तो आप हॉट बैग या फिर आइस बैग लेकर के भी मालिश कर सकते हैं। आप पैरों को पानी में डिप करके, गर्म पानी में डिप करके उसमें सेंधा नमक डाल करके रख सकते हैं, इससे आपको थोड़ी आराम मिलेगी। आप रोज़ खाने में एक केला ज़रूर आप इंक्लूड कीजिए, आप नारियल का पानी पीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी आप पीजिए। पानी अगर पियेंगे तो फिर आपको ये सब प्रॉब्लम कम होगी। जनरली पैरों के नीचे तकिया लगाने से और पैरों को गर्म पानी में डिप करके सेंधा नमक डाल करके रखने से आपको थोड़ी बहुत आराम मिलेगी। और अपने खाने में, अपने डाइट में आप कैल्शियम और मैग्नीशियम को इंक्लूड करें। आयरन की टैबलेट अपने डॉक्टर से कहे, वो आपको इंक्लूड करेंगे आपकी डाइट में। ये सब करने से आपको थोड़ी बहुत आराम मिलेगी, लेकिन अगर उसके बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको टैबलेट देंगे इसकी, फिर अलग वो डोज देंगे तो ये सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो आशा करती हूँ सारी जानकारी आपको पसंद आई।